क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। आज हम 8th क्लास के सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो का मीनिंग ही होता है बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी ए माइक्रोब। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच हैज सेल वॉल बट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल होती है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्चुअली हर एक ऑर्गेनिज्म जो सेल से मिलकर बना होता है, कुछ सिंगल सेल भी हो सकते हैं, कुछ जो आपके मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और हर सेल जो है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। इसके बारे में आप डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो हम जो बैक्टीरिया है उसके पास सेल वॉल होती है लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ बट मोस्ट आर हेटरोट्रॉफ। कुछ बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉफ होते हैं और ज़्यादातर जो है हेटरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और हेटरोट्रॉफ होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड इन डिफरेंट शेप। बैक्टीरिया जो हर शेप में पाए जाते हैं लाइक रेड शेप, स्पाइरल, स्पेरिकल एंड कोमा शेप। और इनके जो एग्जाम्पल है वो रिजोबियम, ईकोली, सीडोमोनास, स्ट्रेपेटोकस एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट वन के बारे में जानते हैं। सेकंड वन इज एल्गी। देखिए एल्गी आर ग्रीन प्लांट विच आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। एल्गी जो एक ग्रीन प्लांट होता है और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। ए सेल ऑफ एल्गी कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। एक सेल में एक जो एल्गी होती है उसके जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल भी होती है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। उसका रीज़न ही है कि ग्रीन होता है क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण ये ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल है वो इसकी हेल्प करता है इसका भोजन बनाने में। एंड दैट इज़ द रीज़न कि एल्गी आर ऑटोट्रॉफ। एल्गी जो है एक ऑटोट्रॉफ है। सम एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक। कुछ एल्गी जो माइक्रोस्कोपिक भी होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लेमीडोमास, स्पाइरोगोरा एक्सेट्रा। थर्ड वन इज फंगाई। फंगाई हैव सेल वॉल एंड न्यूक्लियस इन दियर सेल बट डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। देखिए जो फंगाई होती है उसका उसके पास सेल वॉल भी होती है और उसके पास न्यूक्लियस दोनों होता है, उसके सेल के पास दोनों होता है लेकिन उसके पास जो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। हालांकि ये प्लांट्स की कैटेगरी में आता है बट फंगाई आर सेप्रोट्रॉफ, इसलिए ये अपना भोजन ऑटोट्रॉफ नहीं, सेप्रोट्रॉफ होता है। और सेप्रोट्रॉफ होते हैं कि दे फीड ऑन डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ऐसे प्लांट जो डेड रिमेन्स को खाते हैं या फिर एनिमल का जो डेड रिमेन्स है उनको उनके द्वारा जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक। तकरीबन सारी जो फंजाई होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है लेकिन एक्सेप्ट मशरूम, जो मशरूम जो है आपके माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, रिजोपस, एस्पिरिगिलियस एंड पेंसुलिन एक्सेट्रा, ये सब जो है आपके फंजाई के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ डू नॉट हैव सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट बट दे डू हैव न्यूक्लियस। जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी का हमारे पास प्रोटोजोआ, इसके सेल में जो है सेल वॉल नहीं, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों नहीं होते लेकिन इसके पास न्यूक्लियस होता है। अमीबा एंड प्लाज्मोडियम आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ये जो है प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। वायरस, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए लिविंग विंग। जो वायरस होता है वो भी एक माइक्रोस्कोपिक है लेकिन उसको हम लिविंग विंग जो कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर कंसिडर्ड एज ए बॉर्डर लाइन केस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए इसको हम जो वायरस को बॉर्डर लाइन पर रखते हैं, अगर ये लाइन से अंदर है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाता है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, अगर ये लाइन से बाहर है तो इसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं। कैसे देखते हैं, ए वायरस बिहेव एज नॉन लिविंग व्हेन इट इज़ आउटसाइड होस्ट सेल। एक वायरस तब तक नॉन लिविंग है जब तक वो किसी होस्ट सेल से बाहर है। होस्ट सेल का मतलब कि जब वो किसी सेल से बाहर है। फॉर वायरस डज नॉट कैरी, इस तरह का जो वायरस है वो क्या नहीं करता, वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह ना न्यूट्रिशन करेगा, ना रेस्पिरेशन करेगा और ना ही रिप्रोडक्शन करेगा। व्हेन इट इज़ आउटसाइड अ होस्ट, जब ये किसी मतलब किसी बॉडी के बाहर है। बट वंस
इट इनसाइड ए होस्ट, लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के अंदर चला जाता है, इट बिहेव लाइक ए लिविंग बींग, एक लिविंग बींग की तरह बिहेव करने लगता है। इसका मतलब है कि इट कैरीज ऑन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन व्हेन इट इज़ इनसाइड अ होस्ट। जब ये किसी होस्ट के अंदर चला जाएगा, तो ये सारी एक्टिविटी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, जिसमें न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, रिप्रोडक्शन आता है, वो सब करने लगता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो HIV, तोबाकू, मोजेसिक वायरस एक्सेट्रा। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट, हैबिटेट होता है जो एनवायरनमेंट रहने के लिए जो चाहिए होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ के ऊपर हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन लैंड, वाटर एंड एयर, वो लैंड में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, और एयर में भी होते हैं। दे आर इवन फाउंड इनसाइड एंड ऑन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं और हमारी बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रोब आर इवन फाउंड इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन, और कुछ माइक्रोब्स जो बहुत ही जो एक्सट्रीम होती है हार्श कंडीशंस, मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल के लिए क्रिएटिव वॉल्केनो एंड सल्फर स्प्रिंग्स, ये वॉल्केनो के अंदर भी पाए जाते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट होती है, एंड सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं और फो भी होते हैं, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज लैक्टोबैसिलस, इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस फैसिलिटीज कन्वर्ट टू ऑफ मिल्क इन टू कर्ड, और जो लैक्टोबैसिलस होता है ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिल्क को दही में बदल देता है। ईस्ट कॉज फर्मेंटेशन ऑफ मैनी फूड आइटम, और जो ईस्ट है वो बहुत सारी फूड आइटम की फर्मेंटेशन का कारण बनता है। फर्मेंटेशन का मतलब कि फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, ऐसा प्रोसेस जिसके केमिकली प्रोसेस जिसके कारण जो फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच शुगर सॉल्यूशन चेंज इंटू एल्कोहल ड्यू टू एनरोबिक रेस्पिरेशन बाय माइक्रोब इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि शुगर सॉल्यूशन को एल्कोहल चेंज इंटू एल्कोहल ड्यू टू द एनरोबिक रेस्पिरेशन, एनरोबिक रेस्पिरेशन और प्रोसेस है जहाँ पर जो है ऑक्सीजन की, अब जो ऑक्सीजन की अब्सेंट में होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। व्हेन ईस्ट इज एडली या पकोड़ा में जो है ऐड किया जाता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट का जो रेस्पिरेशन होता है उसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। अभी आपको बताया था ना मैंने एनरोबिक रेस्पिरेशन, एनरोबिक रेस्पिरेशन जो उसमें ऑक्सीजन का एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के जो ईस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट बबल्स इन द डो और बटर विच मेक फूली केक्स ब्रेड्स इडली एंड डोसा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो आपका डो होता है, जो आपका बटर होता है, उसके अंदर जो है बबल्स लाइक जो है वो फूल जाता है। आपने देखा होगा कि आटे को ब्रेड की तरह जो फूल जाता है उसके बीच में जो है फूली केक्स बन जाते हैं, इडली या डोसा जो भी है ये सब जो फूली होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज फर्मेंटेशन आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम फ्रूट जूस, शुगर कैन जूस और फ्रॉम सीरियल। और इस फर्मेंटेशन का प्रयोग जो है वो अल्कोहल के द्वारा जो है जूस से, शुगर से, या आपका शुगर कैन हो गया जूस, और जो दूसरे आपके सीरियल से, इस फर्मेंटेशन के द्वारा जिसको अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूटिलाइज टू मेक वाइन, बियर एंड अदर अल्कोहल प्रोडक्ट्स, और इसी प्रोसेस के द्वारा जो आपकी वाइन होती है, आपकी जो बियर होती है, जो आपके अल्कोहल से दूसरे प्रोडक्ट वो तैयार किए जाते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंसेस विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देता है या फिर उन्हें किल कर देता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेंसिलिन 1929। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1929 में पेंसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवर किया था। ड्यूरिंग वन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो ऑन कल्चर वेयर अ फंगस वॉज प्रेजेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा था कि जहाँ जहाँ पर भी फंगस है वहाँ पर जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। दस पेंसुलिन वॉज प्रिपेयर फ्रॉम द फंगस पेंसुलिन, इस तरह जो फंगस पेंसुलिन से जो पेंसुलिन को प्रिपेयर किया गया। पेंसुलिन मेड इट पॉसिबल टू ट्रीट मेनी डिफिकल्ट डिसीज, और पेंसुलिन के कारण ही जो बहुत सारी जो डिसीज है उनका ट्रीट किया जाता है, हेल्प मिली है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न एंटीबायोटिक आर
ड्राइव ऑफ पेंसिलिन, बहुत बहुत ज़्यादातर एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन से ही जो ड्राइव किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एमोक्सिलिन, सेफोटेक्साइन, सेफोपेराजोन, सेफ्रोक्साइम, सेफ्ट्राजेडाइन एक्सेट्रा। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक आर टेट्रासाइक्लाइन, नॉरफॉक्सलाइन, नॉरफॉक्सिन, सिप्रोफॉक्सेन और डॉक्सीक्लाइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज वैक्सीन। आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू फाइट डिसीज़। देखिए, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है वो किसी भी डिसीज़ से जो फाइट करती है। द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक टू फाउट ए डिसीज कॉज माइक्रोब विच में एंटर आवर बॉडी। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी माइक्रोब्स चल जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर जो एंटी वो हमारे वो बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक को उस डिसीज़ या उस माइक्रोब से लड़ने के लिए तैयार करता है। वाइल डूइंग सो, जब ऐसा होता है, आवर बॉडी रिमेंबर टू फाइट एनी फ्यूचर असलाइट ऑफ द माइक्रोब। तो जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी जो है उस माइक्रोब को फाइट करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको याद रखती है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज यूटिलाइज टू मेक वैक्सीन अगेंस्ट वायरस डिसीज़। इस कॉन्सेप्ट के कारण ही जो है जो वायरस से रिलेटेड हमारी डिसीज़ होती है उसको उसके इस प्रोसेस से ही उसको इस वैक्सीन को तैयार किया जाता है उसके फाइट करने के लिए। अ वैक्सीन मेड बाय अ बीक और किल्ड स्टेन ऑन ए डिसीज कॉज माइक्रोब। एक वैक्सीन जो है वो हमारे जो माइक्रो जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब एंटर करता है उसको या तो वीक कर देगी या उसको फिर किल्ड कर देगी। व्हेन ए वैक्सीन इज इन इन इनोकुलेटेड इन द बॉडी, द बॉडी प्रिपेयर एंटीबायोटिक अगेंस्ट इट। जब वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो बॉडी जो है उसके एंटीबायोटिक हमारे बॉडी के अंदर तैयार कर देती है। दस द बॉडी लर्न्स एंड रिमेंबर हाउ टू फाइट दैट माइक्रोब इन फ्यूचर। इस तरह बॉडी इस बात को लर्न कर लेती है और याद रखती है कि किस तरह से इस माइक्रोब से फ्यूचर में जो है फाइट करनी है, इसको बॉडी को क्योर करना है। दस वैक्सीन हेल्प टू प्रिवेंटिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़। इस तरह से जो है जो हमारा वैक्सीनेशन होता है वो पर्टिकुलर डिसीज से हमें बचा के रखता है अलग अलग डिसीज से। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन 1798। एडवर्ड जेनर ने जो है 1798 में जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो है डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व दैट पीपल हु वर रेयरिंग काउ डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया था ऐसे लोग जो पशु वगैरह को पालते हैं उनके अंदर जो स्मॉल पॉक्स नहीं उनमें जो स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। दैट ऑब्जर्वेशन लीड टू डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इस ऑब्जर्वेशन के कारण ही जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन तैयार हो पाया है। वैक्सीन आर नाउ अवेलेबल फॉर मैनी डिसीज। आज वैक्सीन जो बहुत सारी डिसीज की जो वैक्सीन तैयार की जाती है लाइक स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, टेटनस, डायफेरिया, वोलिंग कॉफ, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। तो इन सब जो डिसीज़ है इन सब का वैक्सीन अब तैयार हो चुका है। पल्स पोलियो। पोलियो पोलियो इज़ अ वायरल डिसीज विच डैमेज नर्व्स एंड स्पाइन। पोलियो एक बहुत ज़्यादा फैलने वाला डिसीज़ है जिसके कारण जो हमारे जो स्पाइन में जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन वीक मसल्स एंड पैरालाइजिज स्पेशली इन लेग। इसके कारण जो है मसल्स वीक हो जाते हैं और पैरालाइजिज हो जाता है स्पेशली इन लेग्स। पोलियो इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फिनाइट पैरालाइज। पोलियो वैक्सीन कैन प्रिवेंट दिस डिसीज़। देखिए, जो पोलियो की जो वैक्सीन है उस पोलियो की वैक्सीन से इस डिसीज से जो है बचा जा सकता है। पल्स पोलियो इज़ ए लार्ज स्केल प्रोग्राम टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम इंडिया। देखिए, जो पल्स पोलियो है वो इंडिया के अंदर से पोलियो को हटाने के लिए बहुत बड़े स्केल पे किया 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 जाता है। दिस प्रोग्राम इज़ बिगिन रन बाय द यूनाइटेड नेशंस इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंडिया की गवर्नमेंट की हेल्प से चलाया जाता है। ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज आर गिवन पोलियो ड्रॉप्स अंडर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के दौरान जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं सबको जो पल्स पोलियो ड्रॉप दी जाती है। पल्स पोलियो हैज़ बीन हाईली सक्सेसफुल अगेंस्ट इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। देखिए, जो पल्स पोलियो अभियान है ये पोलियो को हटाने के लिए सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कैसे हमारे फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड के रूप में कार्य करते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन इन सॉइल।
ब्रून ग्रीन एल्गी जो होती है वो एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर जो है मिक्स कर देती है। रिजोबियम बैक्टीरिया लिव इन रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट में जो है रिजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो जिनके अंदर आप कह सकते हैं गांठे से प्लांट, जस्ट लाइक ए पी प्लांट। दीज बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल, ये बैक्टीरिया जो है सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। दस दीज माइक्रोब हेल्प इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, इस तरह से जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट और एनिमल के जो डेड रिमेन्स होते हैं उनको फीड करते हैं। दस दीज माइक्रोजम प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर, इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं। डिकम्पोजर वो होते हैं जो डेड रिमेन्स को फीड करते हैं। दस माइक्रोब्स हेल्प इन क्लीनिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे आसपास जो है जो ऑर्गेनिज्म वेस्ट होता है उसको क्लीन कर देते हैं। डेड कैटल वेस्ट फ्रॉम मीट एंड फिश शॉप, वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट एक्सेट्रा आर डिकम्पोज बिकॉज ऑफ माइक्रो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह के वेस्ट को समाप्त कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। अब हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्युनिकेबल डिसीज़, देखो कॉम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती है, अ डिसीज़ विच कैन सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ कॉल्ड कॉम्युनिकेबल डिसीज़, ऐसी डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर चली जाए इस तरह से फैल जाती है और इसे हम कॉम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। इन्फेक्टियस डिसीज़, अ डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय एन अटैक फ्रॉम माइक्रोब इज़ कॉल्ड इन्फेक्टियस डिसीज़, ऐसी डिसीज़ जो माइक्रोब्स के अटैक के कारण होती है उन्हें हम जो है इन्फेक्टियस डिसीज़ कहते हैं। पाइथोजन, अ माइक्रोब विच कॉजेज डिसीज़ इज़ कॉल्ड अ पाइथोजन। सम ऑफ एग्जाम्पल पाइथोजन्स आर फॉलो, देखो पाइथोजन्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो डिसीज़ का कारण बनते हैं, जिसके कारण जो है पाइथोजन मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है डिसीज़ को फैलाते हैं। पाइथोजन देखिए यहाँ पे कुछ एक पाइथोजन दिए गए, डिसीज़ दिए गए और मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिए गए। फर्स्ट वन इज़ प्लास्मोडियम और इसके कारण जो मलेरिया डिसीज़ फैलता है। डेंगू वायरस और इसके कारण आपको पता है कि डेंगू फैलता है। कॉमन कोल्ड वायरस, इसके द्वारा कॉमन कोल्ड फैलता है और इसके जो आगे आपको सिम्टम्स वगैरह दिए हैं। मलेरिया एंड डेंगू स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज, सो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज शुड बी प्रिवेंट, देखिए जो मलेरिया और डेंगू है वो मॉस्किटोज़ के द्वारा फैलाए जाते हैं, इसलिए अगर हम इसलिए जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकना ही इसका इसको आसानी से रोका जा सकता है। डोंट अलाउ वाटर टू स्टेनगेट इन सराउंडिंग बिकॉज मॉस्किटो ले एग्स इन स्टेंगन वाटर, देखिए हमारे आसपास कहीं भी हमें जो है पानी को जो है खड़ा होने नहीं देना चाहिए क्योंकि उस स्टेंगन वाटर के अंदर जो है मॉस्किटो जो अपने अंडे वगैरह जो है लेकर देती है। फ्रिक्वेंटली क्लीन द वाटर इन कूलर, हमें अपने कूलर के अंदर जो वाटर को जो क्लीन करना चाहिए। कीप द ओवर हेड टैंक कवर्ड, हमारे जो टैंक वगैरह होते हैं उसको कवर करके रखना चाहिए। कीप द ड्रेन प्रॉपरली कवर्ड, जो ड्रेन सिस्टम होता है जो नालियाँ वगैरह होती है सीजर वगैरह होते हैं उनको हमें बंद करके रखना चाहिए। फिल एनी डिच विद सैंड और सॉइल, और अगर कोई ऐसा गड्ढा आसपास पड़ा हो तो उसे हमें सैंड से या फिर सॉइल से जो इसको भर देना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स एंड मॉस्किटो नेट्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट, और हमें मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए जो है डिफरेंट जो हमारे पास होते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं या फिर नेट्स वगैरह होते हैं उनको जो हमें Thank you.